मुझे याद है अपने बचपन का वो दौर, जब रात के अंधेरे में जब भी मैं आसमान की तरफ देखता तो ऐसा लगता कि आसमान में एक बहुत बड़ी काली चादर बिछी है, जिसमें जगह जगह टिमटिमाते सितारे जुड़े हुए हैं और उन टिमटिमाते सितारों के बीच आसमान में चांदनी बिखेरता हुआ चंद्रमा मौजूद है, जिसको बचपन में मैं चंदा मामा बोलता था। और मेरा मन करता कि आसमान में चांदनी बिखेर रही चंदा मामा को तोड़कर अपने पास रख लूँ। खैर, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ आपका भी बचपन रहा होगा। वैसे अब भी अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारी जिज्ञासा बनी हुई है। वैज्ञानिक आए दिन नए नए तारों और ग्रहों को खोज रहे हैं जो कि हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं, लेकिन हमारे जहन में एक सवाल अपना डेरा डाले बैठा है। वो ये कि वैज्ञानिक जिन ग्रहों और तारों को खोज रहे हैं जिनमें कुछ पर जीवन होने की भी संभावना है, तो क्या हम कभी उन ग्रहों या तारों तक पहुंच पाएंगे? क्या आप जानते हो कि अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का डायामीटर 1,00,000 प्रकाश वर्ष से ज़्यादा है? मतलब प्रकाश को मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 1,00,000 साल का वक्त लगेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये सिद्ध कर चुके हैं कि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति ही सबसे तेज है, जो है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आप सोच सकते हो कि अगर हम ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड यानी प्रकाश की गति से यात्रा करें, तब जाके हम 1,00,000 साल में मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम प्रकाश की गति से कभी चल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश की गति से केवल वही वस्तु ट्रेवल कर सकती है जिसका द्रव्यमान यानी मास 0 हो। अगर किसी भी वस्तु में मास यानी द्रव्यमान है तो वो कभी भी प्रकाश की गति से नहीं चल सकती, क्योंकि अगर वो वस्तु प्रकाश की गति से चलेगी तो उसका रिलेटिव मास इन्फाइनाइट हो जाएगा, और इन्फाइनाइट द्रव्यमान वाली वस्तु को प्रकाश की गति से धकेलने के लिए इन्फाइनाइट ऊर्जा की ही जरूरत पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि ना तो हम कभी प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकते हैं, और ना ही हम इंसानों की इतनी उम्र है कि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक हजारों लाखों सालों तक यात्रा करते रहें। तो क्या हमारी स्पेस ट्रेवल की कल्पना करना बेकार है? खैर, अभी भी दो तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को पल भर में ही तय किया जा सकता है, वर्म होल और वार्प ड्राइव। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों ही तरीकों को जानते होंगे कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन क्या आप इनके पीछे की फिजिक्स को जानते हो? तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं। हम जानेंगे कि स्पेस ट्रैवल का सबसे फास्टेस्ट तरीका यानी वॉर्म होल और वार्प ड्राइव किस कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। स्पेस ट्रैवल के इन दोनों कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमारा स्पेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्पेस को समझे हम इन दोनों तरीकों को नहीं समझ सकते। तो चलिए जानते हैं कि स्पेस क्या है। स्पेस के बारे में बहुत से लोगों के मन में एक गलत अवधारणा है। जब भी हम स्पेस की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में धरती से कुछ हजार किलोमीटर ऊपर मौजूद वो जगह आती है जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है। क्या यही है स्पेस? नहीं। स्पेस को समझने के लिए हमें अपनी कल्पना के सागर में डूबना होगा और गहराई में जाकर स्पेस को इमेजिन करना होगा। तो चलिए अपनी कल्पना के सागर में गोता लगाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब गायब हो जाएं। सभी पेड़ पौधे, सभी इंसान, हवाई जहाज, कार, बादल, पृथ्वी, सूर्य, सभी तारे और ग्रह, सभी गैलेक्सी, ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़, छोटे से छोटा कण और आप खुद। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब क्या बचा? आपका जवाब होगा कुछ नहीं, लेकिन आपका जवाब गलत है। जिसे आप कुछ नहीं बोल रहे हो वही तो सब कुछ है। ब्रह्मांड में सब कुछ खत्म होने के बाद जो बचा है वो है स्पेस, जिसको हम एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह बोलते हैं। लेकिन क्या ये जगह वाकई में खाली है? आपको ये तो पता ही होगा कि ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद लगातार फैल रहा है, सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो फैल रहा है, और सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं वो किस में जा रही हैं? दरअसल इसका जवाब है स्पेस, जिसको हम ब्रह्मांड बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। लेकिन अगर इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो ब्रह्मांड नहीं बल्कि स्पेस फैल रहा है, और इसी स्पेस के फैलने की वजह से सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं।
चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक गुब्बारा है जिसके टॉप पर आपने आकाशगंगाओं के छोटे छोटे मॉडल लगाए हैं। अब आप इस गुब्बारे में जैसे जैसे हवा भरते जाओगे वैसे वैसे गुब्बारा फूलता जाएगा और गुब्बारे के ऊपर डिनोटेड आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ इसी तरह से है। जैसे गुब्बारे को हम स्पेस बोल सकते हैं और उस स्पेस में मौजूद मैटर यानी पदार्थ को आकाशगंगाएं, जिसे हम एम्प्टी स्पेस यानी खाली स्थान बोल रहे हैं, उसका जन्म बिग बैंग विस्फोट से ही हुआ है और बिग बैंग से लेकर अब तक ये स्पेस फैलता ही जा रहा है। और इस स्पेस की खास बात ये है कि ये स्पेस जोर लगाकर खींचने पर एक्सपेंड भी हो सकता है और दबाने पर कंप्रेस भी हो सकता है। इसको ट्विस्ट भी किया जा सकता है और इसको बेंड भी किया जा सकता है। आप इस स्पेस को अपने मन मुताबिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन स्पेस को कंट्रोल करने के लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम आगे जानेंगे। चलिए स्पेस को एक एग्जांपल के द्वारा और समझते हैं। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई ड्रामा तो ज़रूर देखा होगा। अगर मैं सही हूँ तो आपने उस ड्रामे में सिर्फ एक ही चीज़ को नोटिस किया होगा, वो है एक्टर की एक्टिंग और ड्रामे की स्टोरी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या आपने कभी उस रंगमंच यानी जिस पर ड्रामा हो रहा है उस स्टेज को नोटिस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो स्टेज ना होती तो क्या आप उस ड्रामे को एंजॉय कर पाते? अब आप कहोगे कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ। तो अब इसी चीज़ को ब्रह्मांड के संदर्भ में देखते हैं। जिस तरह से ड्रामे में एक्टर की एक्टिंग और ड्रामे की स्टोरी है, उसी तरह ब्रह्मांड में मौजूद हैं गैलेक्सी और उनमें घट रही घटनाएँ। जिस तरह से ड्रामे में एक्टर अपनी एक्टिंग के द्वारा स्टोरी को आगे बढ़ाता है, उसी तरह ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सियों में हो रहे बदलाव, जैसे नए तारों का बनना, पुरानों का खत्म होना, यानी बदलाव ब्रह्मांड की स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है। जिस तरह ड्रामे की स्टोरी एक रंगमंच यानी स्टेज के बिना अधूरी है, उसी तरह इस विशालकाय ब्रह्मांड में घट रही घटनाएँ एक रंगमंच के बिना अधूरी हैं। और इस विशालकाय ब्रह्मांड का रंगमंच है स्पेस। जी हाँ, इस ब्रह्मांड रूपी ड्रामे का आधार स्पेस ही है। अगर स्पेस ना होता तो ये ब्रह्मांड भी ना होता। सर आइजक न्यूटन ने स्पेस को एक रंगमंच माना और उस स्पेस यानी रंगमंच में घट रही घटनाओं को ड्रामा माना। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड यानी स्पेस फैल रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये अभी तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसमें ये ब्रह्मांड यानी स्पेस फैल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब तक आप स्पेस को समझ पाए होंगे, क्योंकि आगे हम जिन चीज़ों को जानेंगे उनको बिना स्पेस को समझे समझना मुश्किल होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे तेज प्रकाश की गति है, इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता और ये हमारे ब्रह्मांड की एक स्पीड लिमिट है। अब भला हम इस गति के सहारे भी चलें तब भी हम अपने नज़दीकी तारामंडल के पास सालों में पहुँच पाएंगे। तो ये तो तय है कि हम ब्रह्मांड में परंपरागत तरीके से यात्रा करके ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में नहीं पहुंच सकते। हमें ब्रह्मांड की सैर करने के लिए कुछ ऐसे शॉर्टकट चाहिए जो हमें ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों तक पल भर में पहुंचा सकें। फिलहाल हम ऐसे दो साइंस फिक्शनल तरीकों को जानते हैं जो हमें ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों तक पल भर में पहुँचा सकते हैं, वो हैं वार्म होल और वार्प ड्राइव। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि वॉर्म होल और वार्प ड्राइव जैसे कॉन्सेप्ट अभी तक मैथमेटिकली इक्वेशंस और थ्योरीज में ही संभव हैं। प्रैक्टिकली इन तरीकों को संभव बनाना अभी हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, सुदूर भविष्य में मानव जाति इन तरीकों को शायद हकीकत में बदल पाए। हालांकि वार्प ड्राइव और वॉर्म होल जैसे कॉन्सेप्ट को आप साइंस फिक्शनल मूवीज में देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वॉर्म होल क्या है और इस कॉन्सेप्ट ने कैसे जन्म लिया। दरअसल 19वीं सदी के शुरुआती दौर में लोगों का यही मानना था कि ब्रह्मांड में हर जगह समय एक ही रफ्तार से चल रहा है और लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो कर रहे थे। न्यूटन का मानना था कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी खगोलीय पिंड एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी ओर खींचते हैं और इसी वजह से संपूर्ण ब्रह्मांड संतुलित है। न्यूटन का मानना था कि ग्रेविटी का प्रभाव इंस्टेंट यानी तात्कालिक होता है। अब ये तात्कालिक ग्रेविटी क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो चलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को थोड़ा आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश फोटोन पार्टिकल्स के रूप में ट्रेवल करता है।
सूर्य पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। जब सूर्य की सतह से प्रकाश फोटोन पार्टिकल के रूप में बाहर निकलता है तो वो सूर्य की सतह से 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी को तय कर पृथ्वी की सतह तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। अगर आसान भाषा में कहें तो प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी का प्रभाव तात्कालिक होता है, मतलब मान लो कि सूर्य अचानक अपनी जगह से गायब हो गया तो सूर्य जैसे ही गायब होगा तो सभी ग्रहों से ग्रेविटी का प्रभाव सूर्य के गायब होते ही खत्म हो जाएगा और सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट को छोड़कर भागने लगेंगे। ये कुछ ऐसा होगा जैसे आप एक गेंद में रस्सी बांधकर चारों ओर घुमा रहे हों और जैसे ही आप रस्सी को छोड़ोगे वैसे ही उस गेंद पर रस्सी के कारण लगने वाला बल खत्म हो जाएगा और वो गेंद आपसे दूर भागने लगेगी। ठीक उसी प्रकार सूर्य जैसे ही गायब होगा तो ग्रेविटी का प्रभाव सूर्य के गायब होते ही खत्म हो जाएगा और सूर्य के गायब होते ही पृथ्वी अपने ऑर्बिट को छोड़ भागने लगेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को ग्रेविटी के तात्कालिक होने की ये बात हजम नहीं हुई। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कल्पना की कि जैसे ही सूर्य गायब होगा तो ग्रेविटी का प्रभाव तुरंत खत्म हो जा रहा है, इस वजह से पृथ्वी अपने ऑर्बिट को सूर्य के गायब होते ही छोड़ रही है। लेकिन जो सूर्य का आखिरी प्रकाश होगा वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेगा। लेकिन माइकलसन और मोरले नामक वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट में पहले ही साबित कर चुके थे कि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी का प्रभाव तुरंत खत्म हो जा रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाला प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड बाद धरती पर पहुंच रहा है लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रेविटी का असर तुरंत खत्म हो जा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में खलबली मच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रेविटी प्रकाश से पहले पृथ्वी पर कैसे पहुँच सकती है। ये तो पैराडॉक्स यानी विरोधाभास बन रहा है। यहाँ पर न्यूटन के ग्रेविटी के नियम को आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी चुनौती दी। ग्रेविटी और प्रकाश के इस विरोधाभास ने आइंस्टाइन को न्यूटन द्वारा दी गई ग्रेविटी के प्रभाव पर द्वारा सोचने पर मजबूर कर दिया। अब गणित की कवायद फिर से शुरू हुई और इस बार नतीजा और ज़्यादा चौंकाने वाला था। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी स्पेस और टाइम दोनों की ही ज्योमेट्री को प्रभावित करती है, मतलब ग्रेविटी स्पेस को मोड़ देती है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, कर्व स्पेस, वो कैसे संभव है? जैसा कि हमने अभी स्पेस के बारे में जाना था कि स्पेस को एक्सपेंड किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है और स्पेस को बेंड भी किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पेस को कंट्रोल करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और E=mc² से हम जानते हैं कि ऊर्जा को मास में और मास को ऊर्जा में बदला जा सकता है। मतलब किसी भी वस्तु में अगर मास है तो वो वस्तु स्पेस टाइम को प्रभावित कर रही है, मतलब वो स्पेस को मोड़ रही है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह और ब्रह्मांड में मौजूद सभी खगोलीय पिंड स्पेस को मोड़ रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में खलबली मची हुई थी कि अगर स्पेस कर्व है तो इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि हम स्पेस को देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। आखिर कुछ दिन बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस सवाल का भी जवाब मिल गया। हुआ कुछ ऐसा था कि जिस दिन सूर्य ग्रहण था उस दिन आइंस्टाइन वेधशाला में अपने परीक्षण को अंजाम देने के लिए पहुंचे। दरअसल जब आइंस्टाइन सूर्य ग्रहण को ऑब्जर्व कर रहे थे तब उन्हें सूर्य के ऊपर एक तारा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो तारे का केवल एक आभासी प्रतिबिंब था, मतलब तारे की एक्चुअल पोजिशन सूर्य के ठीक पीछे थी, इस वजह से वो तारा सूर्य के आगे होने की वजह से दिखाई नहीं देना चाहिए था। लेकिन वो तारा सूर्य के पीछे होने के बावजूद भी सूर्य के ऊपर दिखाई दे रहा था। ऐसा केवल एक ही स्थिति में संभव था, अगर प्रकाश उस तारे से निकलकर सूर्य के ऊपर से कर्व होते हुए पृथ्वी तक पहुंचे। लेकिन ऐसा भी केवल एक ही स्थिति में संभव था, वो ये कि खुद स्पेस जिसमें प्रकाश ट्रेवल कर रहा है अगर कर्व हो तो प्रकाश भी कर्व स्पेस फॉलो करेगा। और उस दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि स्पेस ग्रेविटी की वजह से अपनी शेप को बदलता है, यानी कर्व होता है। बाद में आइंस्टाइन ने बताया कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे ग्रह ग्रेविटी की वजह से नहीं बल्कि कर्व स्पेस की वजह से संतुलित हैं और सभी ग्रह कर्व स्पेस की वजह से ही सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो कि एक रबर की शीट है और उस शीट के बीच में एक भारी गेंद रख दी जाए तो उस भारी गेंद की वजह से शीट में थोड़ी सी विकृति आ जाएगी। गेंद के भारी होने की वजह से गेंद के पास शीट में कर्व आ जाएगा।
इसी तरह से ब्रह्मांड में मौजूद खगोलीय पिंड स्पेस को कर्व करते हैं। अब उस कर्व शीट के पास एक छोटी गेंद को रखा जाए तो वो छोटी गेंद उस बड़ी गेंद के चारों ओर घूमने लगेगी, और जैसे जैसे गेंद की स्पीड स्लो होगी तो वो घूमते हुए बड़ी गेंद के पास पहुंच जाएगी। कुछ इसी तरह से हमारा सोलर सिस्टम काम कर रहा है, और अच्छी बात यह है कि ग्रहों की स्पीड कभी भी कम नहीं होने वाली जब तक इनसे कोई बड़ा ग्रह विपरीत दिशा से ना टकराए। ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा वो स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा, और ब्लैक होल के पास स्पेस पूरी तरह से बेंड होकर अपनी दिशा ही बदल देता है, या यूं कहें कि ब्लैक होल के पास स्पेस 360 डिग्री तक मुड़ जाता है, और इसी वजह से प्रकाश भी ब्लैक होल के चारों ओर 360 डिग्री तक मुड़ जाता है। यही कारण है कि प्रकाश एक बार ब्लैक होल में प्रवेश कर गया तो वो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। वैसे तो ये संभव नहीं कि कोई ब्लैक होल में जाकर जिंदा बच पाए, लेकिन मान लो कल्पना में ही सही, अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर पहुंचकर भी जिंदा रहता है तो उसको अपना पीछे से सिर दिखाई देगा, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर प्रकाश 360 डिग्री तक मुड़ता है। इस वजह से सिर से निकलने वाला प्रकाश घूमते हुए आँखों में पहुँचेगा और सिर दिखाई देगा। खैर, ये तो एक हाइपोथेटिकल परिकल्पना थी। 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और फिजिसिस्ट नेथन रोसन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सहारा लेते हुए वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट सामने रखा। वॉर्म होल के इस कॉन्सेप्ट के सहारे लोग ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में यात्रा करने और टाइम ट्रेवल की कल्पना करने लगे। दरअसल वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है। मान लो हमें अपने नज़दीकी तारामंडल अल्फा सेंटोरी तक जाना है। वैसे तो यह संभव नहीं कि हम प्रकाश की गति से चल पाएं, लेकिन फिर भी मान लो हम प्रकाश की गति से पृथ्वी से अल्फा सेंटोरी तक पहुंचते हैं तो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 4.3 साल का वक्त लगेगा। लेकिन अगर हम स्पेस को ही मोड़ दें और स्पेस को मोड़ने के बाद हमारे पास जो शॉर्ट रास्ता होगा उस रास्ते पर ट्रेवल करें तो हम अल्फा सेंटोरी तक एक क्षण में ही पहुँच जाएंगे और एक लंबी यात्रा करने से भी बच जाएंगे। ब्रह्मांड में मौजूद इस शॉर्ट रास्ते को ही हम वॉर्म होल बोलते हैं, और वॉर्म होल के सहारे हम ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी को पल भर में तय कर सकते हैं। वैसे वॉर्म होल का कॉन्सेप्ट अभी तक साइंस फिक्शनल है, और अभी इस कॉन्सेप्ट को केवल साइंस फिक्शनल मूवीज में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि स्पेस टाइम में आई विकृतियों की वजह से वॉर्म होल प्रतिक्षण बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। यहाँ तक कि वॉर्म होल अभी हमारे आसपास बन रहे होंगे और नष्ट हो रहे होंगे, लेकिन ये वॉर्म होल इतने छोटे होते हैं कि हम इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और ना ही हमारे पास इतना समय होता है कि इनको डिटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि ये बनते ही नष्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम वॉर्म होल्स को कंट्रोल कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। अगर हमारे पास प्रचुर मात्रा में एक्जोटिक मैटर हो तो हम वॉर्म होल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक्जोटिक मैटर का प्रभाव नॉर्मल मैटर से उल्टा होता है। लेकिन खुद एक्जोटिक मैटर ही साइंस फिक्शनल है। अभी तक एक्जोटिक मैटर को ब्रह्मांड में कहीं भी डिटेक्ट नहीं किया गया है। चलिए अब बात करते हैं वार्प ड्राइव की। ये कॉन्सेप्ट भी अभी साइंस फिक्शनल है, लेकिन उम्मीद है कि सुदूर भविष्य में वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर पाएं। वार्प ड्राइव टेक्निक सुनने में जितनी अच्छी लगती है, शायद इस टेक्नोलॉजी पर विजय हासिल करना उतना ही मुश्किल हो। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में परंपरागत तरीके से यात्रा करना केवल प्रकाश की गति से ही संभव है, लेकिन वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी वाले अंतरिक्षयान प्रकाश से भी कई गुना तेजी से चल सकते हैं। अब आप कहोगे कि प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं चल सकता, तो ये अंतरिक्षयान प्रकाश से तेज कैसे चलेंगे? तो इसका जवाब है कि ब्रह्मांड में केवल स्पेस में ट्रैवल करने की गति निर्धारित है। अगर स्वयं स्पेस ही ट्रैवल करे तो उसके लिए कोई भी स्पीड लिमिट नहीं, और हम जानते हैं कि खुद स्पेस प्रकाश की गति से भी तेज स्पीड से फैल रहा है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 14 बिलियन साल पुराना है। अगर ब्रह्मांड के चारों ओर फैलने की दर प्रकाश की गति के बराबर होती तो आज ब्रह्मांड का डायामीटर 28 बिलियन प्रकाश वर्ष होता, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हमारे मौजूदा ब्रह्मांड का डायामीटर 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है, जो साबित करता है कि ब्रह्मांड प्रकाश से भी तेज गति से फैल रहा है। अब एक नज़र वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी पर डालते हैं। वार्प ड्राइव टेक्निक में हम स्पेस में ट्रैवल नहीं करेंगे, बल्कि खुद स्पेस को ही ट्रैवल कराएंगे। मेरी बात पर ध्यान देना, स्पेस में ट्रैवल करना और खुद स्पेस को ट्रैवल कराना दोनों ही बातों में अंतर है, क्योंकि स्पेस में ट्रैवल करने की एक स्पीड लिमिट है, लेकिन स्पेस को ट्रैवल कराने की कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कीड़ा रबर के वायर पर ट्रैवल कर रहा है,
और वो रबर का वायर स्ट्रेच किया जा सकता है। अब मान के चलिए कि उस कीड़े को पॉइंट ए से बी तक जाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायर को स्ट्रेच किया जा सकता है, अगर हम वायर को उस जगह से पकड़ें जहां पर कीड़ा मौजूद है और पकड़कर वायर को बी पॉइंट तक खींचकर पहुंचा दें, तो आपने नोटिस किया होगा कि कीड़ा बिना चले ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। अगर परंपरागत तरीके से वो कीड़ा ए से बी तक जाता तो उसको समय लगता, क्योंकि कीड़े की एक स्पीड लिमिट है। लेकिन हमने उस वायर को ही खींचकर उस कीड़े को बिना चले ही डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि कीड़े के पीछे वायर एक्सपेंड हो गया और उसके आगे का वायर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस को एक्सपेंड भी किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, तो हम जिस अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे होंगे उसके आगे के स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और यान के पीछे के हिस्से को एक्सपेंड किया जाएगा, और हम प्रकाश से भी कई गुना तेज रफ्तार से ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में यात्रा कर पाएंगे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को भी हासिल करने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक्जोटिक मैटर की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसा कि हम जानते हैं कि खुद एक्जोटिक मैटर ही साइंस फिक्शनल है। लेकिन जो आज असंभव लगता है, शायद कल वो सब संभव हो पाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आसान भाषा में सीखने के लिए मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए।